हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, एकदम ऐसे आइडियाज़ मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ जिसे कोई भी कर सकता है। आपको पता है, अपने हिंदुस्तान में दो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, एक मज़ारों पे और मंदिरों पे लोगों का जाना, और दूसरा लोगों का उसके बाद मर जाना। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, किसी न किसी धर्म के अंदर जाता है, उनकी जो भी अपनी मान्यताएं होती हैं उसको मानता है, और फिर एक दिन मर जाता है, जला दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, दफना दिया जाता है। लेकिन इन सब के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कमाने का मौका देती हैं, जो आपको अपने आप को मार्केट में लाने की मौका देती है। उस मौके को आपको तलाशना है। वो मौका क्या है, आज उस पर बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल वे है, एकदम ईजी तरीका है, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कमीशन आपको पंडितों के साथ और मुजावरों के साथ सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है जो बैक साइड से दोबारा दुकानदार तक पहुंच जाता है। मज़ारों पर हज़ारों चादरें चढ़ाई जाती हैं, दो मिनट में वो चादरें दोबारा चादर बेचने वालों तक पहुंचा दिया जाता है। तो वहां पर जाकर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, और अगर सेटिंग नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी दूरी पे, या फिर आप जैसे जुमेरात होता है या फिर मंगलवार होता है, ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जो कि स्पेशल भगवानों का या फिर मज़ारों का होता है, जहाँ पर उस दिन बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता है। उस चढ़ावे में क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आइए वो दिखाता हूँ आपको। एकदम सिंपल तरीका है ये, इस तरीके के आपको रैपर उठाने हैं। सिर्फ पैकेजिंग वे के आइडियाज़ आप लोग को देता हूँ। और अब थोड़ा सा, मैंने आपका कहा था कि मैं हमेशा बिहाइंड द लाइन रहता हूँ, जिस चीज़ की मैं आप लोगों को समझाता हूँ, वो पैकेजिंग का पूरा एक फील्ड होता है, पैकेजिंग की वो चीज़ें होती हैं। कभी कभी बियॉन्ड द लाइन जाता हूँ, क्योंकि आप लोग की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, और अभी आने वाले टाइम पे भी जाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं आप लोग को अवेलेबल करा सकूँ, जो ईजिली मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूँ, वो चीज़ें ही आप लोग को रिकमेंड करूँ, और वो बिजनेस आप लोग को समझाऊँ। अब देखिए, इस तरीके के आप रैपर ले सकते हैं, अलग अलग साइज आता है, और बहुत पावरफुल रैपर है, जो इनका डिज़ाइन होता है लोगों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब देखिए, आप देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके के थोड़े से मैंने आपको सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको क्या करना है इसके बाद, इसके बाद आपको लेना है ये रामदाना, इलायची दाना, जो भी आप इसको बोल लीजिए, ये होता है, देख लीजिए आप। आपको ये लेना है, किलो के हिसाब से मार्केट में ये मिल जाता है। उसके बाद आपको ये लेना है गुलाब, और इसकी पैकिंग करनी है आपको। कैसे करनी है वो समझाता हूँ आपको। वेट मशीन है, आपको पता है हमारे पास, उस वेट मशीन पे हम पहले उसको वेट करेंगे, जितने भी ग्राम को आपको पैकिंग करनी है। प्रीवियस वीडियोस में कंटिन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई भी एक रैपर आप उठा लीजिए, ये रैपर आपने ले लिया, अब इसमें 50 ग्राम आप फिल कर लीजिए। देख लीजिए आप, मैं आपको पूरा फिल करके दिखा रहा हूं। ये हो गया 50 ग्राम आपका फिल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये कुछ गुलाब की हम जो पंखुड़ियां हैं, ये जो गुलाब के कुछ पंखुड़ियां हैं, उसको हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। ये डल गया, अब इसको आप ऐसे मिक्स कर दीजिए। ये एकदम से ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आप जाते ही आपका कोई खरीद लेगा, ये करके आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक्सपेरिमेंट आपकी ज़िंदगी को, पता है, नए नए चीज़ें सिखाएंगी। आप पहले कमाने के आप लोग सोचने लगते हैं ना कि ये नहीं होगा, ये वो, करके देखिए आप लोग, ये सब होता है और बहुत मज़े से होता है। ये हो गया, अब आपको इसमें सीलिंग मशीन पर ऐसे लगाइए, सील कर दीजिए। ये जब आप अपना निकाल लेंगे, कितने रुपए किलो आप ये ले रहे हैं, उस पर 1.50 रुपये रखने के बाद जब आप ये बेचेंगे, क्यों नहीं बिकेगा ये। अलग अलग साइज के आपको कुछ बड़ा साइज का पैकिंग करना है, इसमें भरिए, इसमें भरते हैं 200 ग्राम और फिर देखते हैं। ये 200 ग्राम की पैकिंग हो गई आपकी। अब इसमें क्या करना है, आपको गुलाब को जो इसमें आपने डाला है,
या तो पहले रामदाने के साथ मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ऊपर रह जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं भी। तो आप लोग जब करेंगे ना अपने हिसाब से, तो आप लोग को देखना है कि आप लोग को क्या इसमें इन्वेंट करना है। अब इसमें आप लोग क्या करें, गुलाब को ऐसे मिक्स कर लीजिए, जैसे मिक्स हो गया आपका। अब हम इसमें भरेंगे, ये देखिए ये वाला जो रैपर है, अब इसमें भरेंगे हम 200 ग्राम ग्राम इसमें फिल हो गया। अब इसको ऐसे सील कर दो आप लोग। अब ये मार्केट में क्यों नहीं बिकेगा ये बताइए। ये जब आप बाजारों के आगे या फिर मंदिरों के आगे जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, जहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ये पैकेट तो बिकेगा, शुरुआत तो होगी। करके तो देखिए, ये सब इजी तरीके हैं। आप एक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ तो करिए। कुछ नहीं करने से बेटर कुछ कर जाइए, तो ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।